दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि लीवर एब्सिस क्या होता है। लीवर एब्सिस सिंपल मतलब होता है कि आपके लीवर में अगर फोड़ा बन गया है या बॉल्स बन रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसमें कौन सा साइन सिम्टम पेशेंट बताता है। साथ में हम लोग लास्ट में ये भी जानेंगे कि इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन और इसका मैनेजमेंट या वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल में। उससे पहले आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल हेल्थ से रिलेटेड ही अच्छी अच्छी सही सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं लीवर एब्सिस। फ्रेंड्स, जब भी देखा गया है कि अगर आप किसी ऐसे बाहरी एंडेमिक एरिया से घूम करके आए हैं जहाँ पे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, एंटा अमीबा हिस्टोलिका, अगर ये एंटा अमीबा हिस्टोलिका आपके बाई ओरो या फिकल चाय जैसे भी रूट से आपके अंदर गया है और आपके बड़ी आंत या छोटी आंत से खासकर ये होते हुए आपके पोर्टल विनस सिस्टम से आपके लीवर में आ जाता है, तो जैसे जैसे ये लीवर में पहुंचता है तो पोर्टल विनस सिस्टम है उसके अंदर ये इन्फ्लामेशन यानी सूजन कॉज कर देता है। फिर ये आकर के लीवर में छोटे छोटे ढेर सारे माइक्रो एब्सिस यानी छोटे छोटे फोड़ा लीवर के अंदर बना देता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिका इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है। फ्रेंड्स, शुरुआत में तो इसका कोई उतना लक्षण मिलता नहीं है, लेकिन हाँ, लीवर के अंदर टेंडर्स होना या फिर लीवर का जो साइज होता है नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। साथ में फ्रेंड्स, जो आपका राइट साइड का जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके अंदर भी यहाँ से अगर क्रोनिक हो गया है तो इफ्यूजन हो सकता है, यानी ये जो रोग है धीरे धीरे आपके इस लंग्स तक, इस साइड के राइट साइड के लंग्स तक पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ पे ही लीवर का एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, तो इसमें शुरुआत के 30-40% केसेस में ये देखा गया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई डिसेंट्री वगैरह नहीं पाया गया है। पेशेंट इल रहेगा, उसे भूख नहीं लगेगा, वहाँ राइट साइड में दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एनोरेक्सिया वगैरह ये सब कंप्लेन पेशेंट कर सकता है, लेकिन वो डिसेंट्री वगैरह जल्दी उसमें नहीं होता है 30% केसेस में। डिसेंट्री मतलब पेचिस होता है, या फिर इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं कि आव पड़ना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग CBC करवा सकते हैं और इसमें ESR और CRP का लेवल देखते हैं। इसके साथ सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है, स्टूल का कल्चर भी करवा सकते हैं, ब्लड का भी कल्चर करवा सकते हैं, एलिसा टेस्ट भी करवाया जा सकता है, चेस्ट का एक्सरे करवाया जा सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT करवाया जा सकता है, और इसमें USG एब्डोमेन वगैरह भी करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कभी कभी इसमें फ्लूइड जो भी एक्युमुलेट हो चुका है लीवर के फॉर्म में, तो बाई अल्ट्रासाउंड उसका लोकेशन लॉक करके वहाँ पे एस्पिरेशन करके बाई नीडल वहाँ से निकाल करके उसको भी एनालिसिस किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इसके अंदर मेटोनिंडाजोल 800 mg, TDS या फिर OD या फिर BD, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका डोज कितना होना चाहिए। तो इसमें मेटोनिंडाजोल प्रमुखता से चलता है, और अगर ये क्रोनिक हो चुका है तो आपको सेप्टिसेमिया भी हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है, तो उस अनुसार आपको अलग अलग एंटीबायोटिक्स भी आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपके अंदर लीवर एब्सिस से साइन सिम्टम मिल रहे हैं तो आपके जो फिजिशियन से उनसे कंसल्ट करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।